नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों मैं लेके आ चुका हूँ सैमसंग की तरफ से सैमसंग का गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, जो कि दोस्तों सैमसंग का एक काफ़ी अच्छा फ़ोन है, सैमसंग की एस सीरीज का। दोस्तों जैसे सबको आपको पता है कि अभी चल रहा है S24 सीरीज का सेक्शन, बट मैंने S23 अल्ट्रा क्यों लिया और जी इतने कम प्राइस में दोस्तों मैंने कैसे ख़रीदा, जैसा कि दोस्तों आपको थंबनेल में दिख चुका होगा, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये फ़ोन मेरे लिए नया ही है क्योंकि मैंने इसको अभी परचेस किया है। तो मैं आपको पहले इसको बॉक्स दिखाता हूँ, तो देखिए जिसका बॉक्स है दोस्तों। मैंने इसको सेकंड हैंड ख़रीदा है, बट मैंने इसको कम प्राइस में कैसे ख़रीदा जी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊँगा। तो सबसे पहले दोस्तों चलते हैं इसकी तरफ। तो इसमें दोस्तों हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, कुछ पेपर मिलते हैं जी दोस्तों, बिल पेपर और यह दोस्तों इसकी डाटा केबल जो दोस्तों टाइप सी टू टाइप सी होती है। और इसमें दोस्तों हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता, एक पिन मिलती है जो कि दोस्तों मैंने इसकी पिन निकाल ली। जी है दोस्तों डिवाइस, और इसमें कुछ नहीं है। तो दोस्तों फ़ोन के अंदर मैंने फ़ोन के ऊपर दोस्तों इसमें जो पीछे लैमरिन वगैरह होती है जिससे स्क्रैच ना आए वो भी मैंने लगवा ली है। साइड से दोस्तों इसकी जो साइड में लैमरिन होती है मेमरिन वो भी लगवा दी है इससे साइड में भी स्क्रैच वगैरह ना आए। ये देखिए ये साइड से मैंने पूरा कवर करवा दिया है। और कैमरे को दोस्तों मैंने रिंग लगवा दी है जिससे कोई स्क्रैच वगैरह ना आए। और आगे भी दोस्तों मैंने इस पर टेम्पर लगवा दिया है। तो फ़ोन को मैंने दोस्तों पूरी तरीके से कवर कर रखा है जिससे कोई भी इस पर डेंट या कवर ना आए। बट मैंने आपके अनबॉक्सिंग करने के लिए दिखाने के लिए मैंने इसको फेस वैसे ही के वैसे पैक कर दिया था बस। तो दोस्तों इसमें हमें 6.8 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिलती है जो कि एक फुल HD से ऊपर भी क्वाड HD होती है वो वाली डिस्प्ले है सुपर एमोलेड पैनल के साथ। और इसमें हमें दोस्तों 4 कैमरे मिलते हैं बैक में, इसमें दोस्तों 4 कैमरे मिलते हैं बैक में, जिसमें जो मेन कैमरा है वो दोस्तों 200 मेगापिक्सल का, जिससे हमारी काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटो आ सकती हैं। और दोस्तों फ्रंट कैमरा भी इसका काफ़ी बेटर दिया गया है सैमसंग की तरफ से, क्योंकि दोस्तों आपको सभी को पता है कि सैमसंग के जो कैमरे होते हैं वो काफ़ी बढ़िया वाले होते हैं, जिसमें दोस्तों आपको फ्रंट कैमरा होता है वो 12 मेगापिक्सल का है। और बैक कैमरे में दोस्तों जो कैमरे होते हैं जिसमें एक 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, एक 10 मेगापिक्सल का है, उसके बाद 12 प्लस 10 दोस्तों इस तरीके इसमें 4 कैमरे होते हैं। बैटरी दोस्तों 5000 mAh की है, जिसमें दोस्तों आपका एक दिन तो आसानी से निकल जाएगा, और ज़्यादा आप नॉर्मल यूज करते हो तो 2 दिन आराम से चल जाएगी इसकी बैटरी। और सपोर्ट की बात करें तो 45 वाट का जो चार्जर होता है उसको भी सपोर्ट कर लेता है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है, इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का प्रोसेसर दिया गया है जो दोस्तों काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फ़ोन को मैंने इतने कम प्राइस में, जैसा कि दोस्तों आपने देखा है फ़ोटो में, मैंने कैसे खरीदा। तो दोस्तों आपको शायद याद होगा, मेरी वीडियो देखते हो आप लोग, तो कि इससे पहले मेरे पास S23 था सैमसंग की तरफ से, जो सैमसंग का काफ़ी एस सीरीज का भी छोटा फ़ोन है इसी एस सीरीज का, S23 सीरीज का। तो दोस्तों मैंने उसको एक्सचेंज किया इसके बदले, उसके बाद मैंने दोस्तों जो पैसे मैंने आपको दिखाए हैं थंबनेल में उतने पैसे देकर इस फ़ोन को परचेस कर लिया। तो इसलिए मैंने दोस्तों इस तरीके से मैंने उस जो थंबनेल में प्राइस दिखाई है फ़ोटो में उस प्राइस में मैंने दोस्तों इसको परचेस कर लिया। तो काफ़ी न्यू कंडीशन फ़ोन है दोस्तों, और काफ़ी बढ़िया है, कोई भी डेंट स्क्रैच नहीं है, वारंटी अंडर वारंटी फ़ोन है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, काफ़ी अच्छा फ़ोन मैंने ख़रीदा है। आगे दोस्तों और भी इसकी वीडियो लेके आऊँगा। और दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको S24 सीरीज की कि मैंने उसको छोड़कर इस फ़ोन को मैंने क्यों लिया। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि S24 अल्ट्रा में दोस्तों जो हमें डिस्प्ले दी गई है वो फ्लैट डिस्प्ले है एकदम सीधी, जैसा कि दोस्तों हमें सस्ते फ़ोनों में मिलती है। और इसकी दोस्तों जो डिस्प्ले है वो थोड़ी कर्व है, दोस्तों कर्व डिस्प्ले थोड़ी ज़्यादा बेटर लगती है, जैसा कि आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जैसा कि दोस्तों यहाँ से कोई एप्लीकेशन आती है, देखिए कैसे इस तरीके से देखिए
कर्व डिस्प्ले जो होती है वो काफ़ी अच्छी लगती है, बट S24 सीरीज है जो, उसमें हमें एकदम फ्लैट डिस्प्ले दी गई है, जो कि दोस्तों मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने इसको लेना सही समझा और ये सस्ता ही मिल गया, तो इस ये एक वजह और थी। दोस्तों यही था इस वीडियो में, बाकी तो आपको सबको पता ही है कि इस फ़ोन में हमें क्या क्या फीचर मिलते हैं। इसमें दोस्तों एक एस पेन दिया गया है, जिससे दोस्तों आप अपनी इस पेन की मदद से काफ़ी अच्छी ड्राइंग बना सकते हो, और कुछ यूज करना है तो उसको दोस्तों यूज भी कर सकते हो, इसलिए आप देख सकते हो पेन चलता है दोस्तों इसके ऊपर। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, और S24 सीरीज, S24 अल्ट्रा जो फ़ोन है और S23 अल्ट्रा, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हल्का फुल्का डिफरेंस है, तो ये मुझे ज़्यादा सस्ता पड़ गया उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो मुझे नया ख़रीदना पड़ता था जो दोस्तों 1 लाख से ऊपर का था, ये मुझे काफ़ी सस्ता पड़ गया और मेरा फ़ोन भी एक्सचेंज हो गया उसके बदले। तो बस यही कुछ था इस वीडियो में, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक हमें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं सही वीडियो लाता रहता हूँ। और दोस्तों अगली वीडियो बनाऊँगा मैं इस फ़ोन के कवर को लेके, इसके 2 बैक कवर लेके आऊँगा, जो दोस्तों काफ़ी सस्ते होंगे नॉर्मल बजट के हिसाब से, तो वो वीडियो भी देखना ना भूलें। धन्यवाद।